Hey, good morning guys, this is Saurav. Welcome you all back to my channel Travel Hype. Hope you all are doing good. So guys, this is a new weekend. I'm back with a new video. And one thing special is today, no, yesterday actually Shri Krishna Janmashtami is. So Lalla's birthday is. So wish you all happy Janmashtami. जब साइकिल से बेंगलोर का कोई पार मतलब साइकिल से बेंगलोर नहीं आ रहा था तो आ ही नहीं रहा था कई महीनों से ना. अब जब स्टार्ट हुआ है तो शायद लगातार कुछ हफ्तों तक साइकिल से बेंगलोर का ही एपिसोड आने मैं होप कर रहा हूँ आ जाएगा वैसे ही बट पता नहीं. हाँ तो मैं अभी संजय नगर में हूँ. अब देख सकते हो पूरा ऐसी जगह मस्त लगता है ना. तो अभी मैं जा रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल पे. तो उम्मीद है अभी थोड़ा बहुत भीड़ कम मिलेगा. पता नहीं अगर कल तो मतलब इस्कॉन टेम्पल पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो देखता हूँ अभी जाके अगर भीड़ वीड़ कम मिलता है तो. ओह अभी टाइम हो रहा है 6:10. से 6:30-6:45 तक पहुंच जाऊंगा शायद, ऐसा तो मुझे लग रहा है. और सुबह सुबह के टाइम नहीं मिलेगा भीड़. तो हाँ चलते हैं. चलिए वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा कैसा क्या सिचुएशन है. ओ जन्माष्टमी के लिए आप देख सकते हो पीछे पुलिस का भीड़. एक्चुअली अभी जन्माष्टमी है तो इसलिए शायद आज गाड़ी अंदर नहीं छोड़ रहे. साइकिल पे मतलब गाड़ी बाइक साइकिल कुछ भी नहीं छोड़ रहे अंदर. और भाई पीछे तो पुलिस का मेला लगा हुआ है. अभी जैसा मैं बोल रहा था अभी थोड़ा बहुत उतना भी भीड़ नहीं है. आपको अपोजिट साइड में रोड के अपोजिट साइड में आपको गाड़ी पार्किंग करना है और उसके बाद आपको अंदर जाना है. तो हाँ अभी चलते हैं अंदर. तो पुलिस पुलिस का भी है तो देखते हैं. कैमरा तो अलाउ नहीं है. मोबाइल से जितना हो सकता है मैं ट्राई करूँगा दिखाने के लिए. चलिए ओ भाई तो बैक कैमरा सब अंदर रख दिया. हेलमेट अभी चलते हैं. हाँ देख के तो लग रहा है अभी उतना भीड़ नहीं है. तो भाई जन्माष्टमी अष्टमाष्टमी ऐसा कुछ फंक्शन रहा तो उसमें आप ट्राई करो सुबह सुबह आ जाने के लिए ना. सुबह सुबह आओगे तो भीड़ नहीं मिलेगा भाई. उसके बाद तो मारा मार लग जाएगा इतना भीड़ रहता है. तो अभी चलते उधर जूता उत्ता छोड़ते और उसके बाद लल्ला के दर्शन करते.
दर्शन करके बाहर निकल गया। आज का दिन कितना अच्छे से स्टार्ट हुआ ना, भगवान जी का नाम लेके। ओ भाई आज तो पूरा दिन ऐसे ही रहेगा, यहाँ से शायद एग्जिट नहीं मिलेगा अपने को। मैं गलत आ गया, उस साइड से जाना पड़ेगा। हाँ तो जैसे बोल रहा था, आज का दिन कितना अच्छा गया ना भगवान जी का दर्शन करके। भाई अभी अंदर पूरा कितने दिन चल रहा है, तो जैसे जैसे चल दिन बढ़ेगा धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ता जाएगा, और थोड़ी देर बाद आना तो मतलब हो। लेकिन अभी भी प्रसाद देना स्टार्ट नहीं हुआ है। एक चीज़ मिलेगा, मतलब अगर मैं थोड़ा सा दिन बढ़ने का वेट करूँ तो प्रसाद मिल जाएगा। उस टाइम पे भीड़ बहुत जब हो जाएगा, अभी भीड़ नहीं है, दर्शन अच्छे से हो गया। लेकिन प्रसाद शायद अभी थोड़ी देर बाद से स्टार्ट होगा, तो हाँ देखते हैं। मैं थोड़ा सा उस साइड से जाके देखता हूँ बाहर जाने का कैसा कैसा है। अभी टाइम हो रहा है 7:40, 8 बजे तक स्टार्ट करूँगा तो 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा ट्रैफिक बढ़ने से पहले। अभी दर्शन हो गया है मेरा, मैं अभी फुट ओवर ब्रिज पे हूँ। जैसे मैं बोल रहा था, बाइक मैंने उस साइड पार्क किया है, तो अभी वहाँ पे चलते हैं। भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, दर्शन करके ना आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों से दो चार बातें शेयर करना था। भगवान श्री कृष्ण जी से हम लोगों को इतना सारा कुछ सीखने को मिलता ना। मैंने बहुत पहले, मतलब हाँ बहुत पहले ही मैंने अपने एक वीडियो पे बोला था कि कैसे राम, मतलब नारायण को श्राप मिला था नारद मुनि से, जिसके जो बाद में जाके रामायण का जो प्लॉट था वो बना था। हमारे हिंदू कल्चर में जितने भी स्टोरीज है ना, वो सबके साथ ना एक से एक लिंक है। जैसे रामायण के साथ महाभारत का भी लिंक है। एक दो स्टोरी आज मैं बता देता हूँ, जितना तक मुझे पता है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण जी छोटे थे, तो जैसे हम लोग सबको पता है कि वो अपने मम्मी के साथ नहीं रहते अपने जीवन के फर्स्ट 14 ईयर। उनको अपने मामा से खतरा था, तो उनको मतलब नंद जी ने उनको और किसी के पास छोड़ के आए थे ना। तो जब 14 साल हो गया और जब भगवान श्री कृष्ण अपने मम्मी के पास आए थे ना, तो उस टाइम पे उनके मम्मी ने पूछा था कि आप तो भगवान ही हो, तो आपने 14 साल क्यों लगाया था, आप तो उससे पहले ही आ सकते थे, आपको तो कंस क्या कोई भी नहीं मार सकता है, आप 14 साल क्यों वेट कराए मुझे। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि पिछले जन्म में आपने राम जी को अपने मम्मी से 14 साल के लिए दूर भेजा था। जैसे कई कई ने राम जी को, मतलब दशरथ जी को बोल के राम जी को दूर भेजा था कौशल्या जी से, तो आपने पिछले जन्म में वो पाप किया था, इस जन्म में आपको उस पाप का फल भोगना था, तो इसलिए मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको मिलना है, इसलिए मैं 14 साल तक आपको वेट करवाया। एक वो स्टोरी है। और एक है, हम सबको पता है कि रामायण में श्री राम जी ने उनको क्या बोलते हैं उसको, बाली को छुप के मारा था, क्योंकि बाली को ऐसा वरदान था कि कोई भी बाली के सामने अगर आ जाएगा बाली से युद्ध करने के लिए, तो उनका आधा शक्ति बाली को ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसे सामने वाला आदमी वैसे ही 50% लेस है, और बाली अपना शक्ति प्लस सामने वाले का 50% लेके और शक्ति चले गए। तो इसलिए राम जी ने दूर से छिप के बाली का वध किया था। तब जब भगवान श्री कृष्ण मतलब द्वापर युग में आए, तो उनका भी वध वैसे ही हुआ।
वो सब जब महाभारत का युद्ध युद्ध सब खत्म हो गया, 32 साल सब कुछ खत्म होने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब वैकुंठ लौटने वाले थे, तो उस टाइम से पहले वो जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ के ऐसे फ्लूट बजा रहे थे। तो एक मतलब शिकारी है, उसको लगा कि कोई हिरन विरन कुछ है। श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे कुछ एक लाइट जैसा जल रहा था, तो उसने दूर से छुप के ऐसे तीर वीर मार दिया। तो वो जब सामने आया तो देखा भगवान श्री कृष्ण पे पड़े हुए थे, तो उन्होंने सॉरी 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 बोला। तो श्री कृष्ण जी तब बोले उनको कि आपको कोई पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने आपको छुप के मारा था, तो उसका बदला इस जन्म में पूरा हुआ। बदला नहीं मतलब, हाँ, मैंने जो किया उसका फल मैं इस जन्म में भोग के गया, वैसा वाला। और एक हाँ, और एक छोटा सा स्टोरी। जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ तो गांधारी रणभूमि में आए, रणभूमि में आके देखे तो उनके 100 कौरवों का वध हो गया। तो गांधारी बहुत दुख में भगवान श्री कृष्ण पास गए। श्री कृष्ण पास जाके बोले कि आप तो भगवान हो, लेकिन आपने ये होने क्यों दिया? अगर आप चाहते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, मतलब खून खराब ही नहीं होता, सब कुछ आराम से समेट जाता। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, उन्होंने बस मुस्कुराया। तो तब जाके गांधारी जी ने उनको श्राप दिया था कि जैसे मेरे वंश का कोई नहीं बचा, मतलब गांधारी जी बोल रहे थे आप मेरे एक बेटे को तो छोड़ देते जो मैं हमारे लास्ट रिचुअल का काम कर सकते थे। तो गांधारी जी ने बाद में उनको श्राप दिया कि जैसे आपने मेरे सभी बेटे को मरने के लिए आपने छोड़ दिया, आपका ये सेम ही होगा, आपका पूरा वंश ऐसे अपनों के बीच मारामारी करके ख़त्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले मुझे पता है कि यादव कुल को कोई हरा नहीं सकता, और यादव कुल को अगर कोई हरा सकता है तो खुद यादव कुल ही है। तो उसके बाद हम सबको पता है कि यादव ने अपने भाई भतीजा वो सब में मारामारी करके पूरा यादव कुल ख़त्म हो गया। ये कुछ दो चार स्टोरी था, मुझे अचानक आज अंदर गया तो जब कीर्तन चल रहा था तो उस टाइम पे याद आ रहा था। और हाँ, और एक चीज़, और एक लास्ट, ये वाला लास्ट है, इसके बाद पक्का मैं चला जाऊँगा। तो हाँ, ये वाला लास्ट है, ये वैसे ही रिलेटेड नहीं है, बट हाँ, एक जैसे हम स्टोरी के हिसाब से सुनते सुनते ऐसा हो गया, स्टोरी थोड़ा सा मॉडिफाई होते होते उसको रियलिटी से तो बहुत दूर चले गए ना हम लोग। तो एक्चुअली तुलसीदास जी भगवान राम जी के बहुत बड़े भक्त ना, तो जो रामचरित मानस है वो एक्चुअली भगवान राम को बहुत प्रेस किए ना, उन्होंने बहुत प्रेस किए, मतलब जो रियल स्टोरी है उनसे थोड़ा सा भटक के उनका मतलब भक्ति भाव से रामचरितमानस लिखा गया है। तो उसमें हम सबको एक स्टोरी पता है कि अहिल्या जी को पत्थर बना दिए थे ऋषि बुद्ध ने, अगर मैं उनका ऋषि का नाम भूल रहा हूँ तो मुझे कमेंट पे बताना, लेकिन इतना तक लगता है मुझे, अगर मैं भी थोड़ा सा सर्च कर लूँगा, अगर गलत हो रहा है तो मैं डाल दूँगा। तो ऋषि बुद्ध ने उनको श्राप दिया था, जैसे रामचरितमानस में लिखा है कि वो पत्थर के बन गए थे, लेकिन असल में वैसा नहीं हुआ था, पत्थर के नहीं बने थे, उनको श्राप मिला था कि आप अकेले रहोगे जब तक भगवान श्री राम आपके कुटीर पे नहीं आएंगे, तब तक आप दुनिया में किसी से नहीं मिलोगे, दुनिया के कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा, और आप अकेले ही रहोगे, अकेले तब करोगे जिस दिन भगवान श्री राम का चरण इस आश्रम पे पड़ेगा, उसी दिन मैं भी वापस आऊँगा। तो लेकिन मतलब तुलसीदास जी भगवान राम को इतना प्रेस करते करते उनको ऐसे बोल दिया था कि उनको पत्थर का बना दिया था, भगवान श्री राम जी का पैर लगा तब जाके उनका प्राण आया, लेकिन हाँ उनका वो पत्थर के नहीं बने थे, वो बस दुनिया से अलग होकर रहे थे। तो जब भगवान श्री राम को पता चला कि ऐसा ऐसा अहिल्या माता है, तो भगवान श्री राम जी अपने आप मतलब खुद बोले कि हाँ मैं जाता हूँ उधर। वो आए तो अहिल्या जी का श्राप जो था वो टूटा, और उसके बाद ऋषि भी आए, और उसके बाद तो जैसे ही है। तो हाँ, ये था जितना मेरा ज्ञान है और आज जो जो मुझे याद आया, तो इतना तक ही है।
तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा। सुबह सुबह भगवान जी का दर्शन हो गया, अल्लाह का बर्थडे है, तो विश यू ऑल वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी। बहुत मज़े कीजिए, बहुत मक्खन खाइए, बहुत 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 बधाई। तो आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे, कुछ दूसरी जगह पे, कुछ दूसरा कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए